सो फाइनली दोस्तों आप लोग देख टाटा टेक्नोलॉजी ने भी क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है, तो चलिए देखते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखोगे भी हम डिस्कस करेंगे इसके कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखा है। ये करंट क्वार्टर है या आपको प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो टोटल इनकम आपकी बार कैसा रही है, अभी लगभग 1291 करोड़, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 1325 थी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1288 करोड़। तो ईयर टू ईयर इनकम में जंप एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम टूटी है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि करंट क्वार्टर में 1268 करोड़ रहा है। इसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंसेज यानी जो टोटल खर्चे हमें देखने को मिले हैं भाई, तो अब के बार खर्चे कैसे हैं, 1072 करोड़ के, प्रीवियस में 1094 के, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1035 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस में जंप है और क्वार्टर टू क्वार्टर एक्सपेंस में गिरावट है, बट अब के बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है। कितना प्रॉफिट है तो वो देखोगे भी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो लगभग हमें देखने को मिल रहा है भाई 162 करोड़ का, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या था भाई 157, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 191। तो ईयर टू ईयर इसके रिजल्ट्स थोड़े ख़राब आए हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में रिवेन्यू में जंप हमें देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूँ तो 3.99 रुपये रहे, जबकि प्रीवियस में 3.88 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4.72। तो ये इसके रिजल्ट्स अभी। अब बात करें मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स कैसा है, उसको बीट किया या फिर नहीं। अगर मैं बात करूँ अर्निंग पर शेयर की, आया कितना अभी 3.99 रुपये, एक्सपेक्ट किया गया था 4.33 रुपये के आसपास, यानी कि अर्निंग पर शेयर जो एक्सपेक्टेड है उसको ये मिस करते हुए नजर आया, बीट नहीं कर पाया। इसके बाद देखोगे इसका जो इनकम देखने को मिला वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है भाई 1268 करोड़ का, एक्सपेक्ट किया गया था कंपनी से कि 1333 करोड़ के आसपास जो कंपनी है वो 1330 करोड़ के आसपास सॉरी जो कंपनी है वो रिवेन्यू दे, लेकिन आया कितना है 1268 करोड़ का। तो रिवेन्यू और अर्निंग पर शेयर दोनों मिस हुए हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है। और बाकी ये जो रिवेन्यू सेगमेंट्स वगैरह वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे भी किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। और ये नोट्स पढ़ लेना भाई अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो, और कुछ ऐसा अनाउंस नहीं होते हुए नज़र आया है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।